शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी गाना जो कि अधूरा रह गया था वो जल्द ही रिलीज होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस गाने का नाम था हैबिट। जी हाँ दोस्तों, जिसे कि बाद में अधूरा गाना नाम देकर के इसे रिलीज किया जाने वाला था। इस बात से फैंस को काफी ज्यादा नाराजगी हुई और उन्होंने इसके बाद प्रोडक्शन कंपनी से इस बारे में बातचीत की। जो गाना अधूरा है वो अधूरा रह गया था। गोवा में इसका शूट हुआ था लेकिन गाने को पूरा करने से पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को अलविदा कह गए और इस अधूरे गाने को बार बार में रिलीज करने के लिए कहा गया फैंस की ओर से, और फैंस भी उनकी इस बार बार की जाने वाली अपील से खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाए और इसके बाद इस गाने को रिलीज करने का मन बना लिया। ये गाना श्रेय घोषाल की आवाज में है और इसे नाम दिया गया अधूरा, सिद्धार्थ की अधूरी कहानी, अधूरा प्रेम। इस बात से फैंस को और भी नाराजगी हुई और उन्होंने लगातार लाखों हजारों मैसेजेस किए और कहा कि गाना हैबिट था तो इसे हैबिट ही रहना दिया जाए क्योंकि ये कभी अधूरा नहीं रह सकता है, और इसके बाद अब इस गाने को हैबिट के तौर पर ही रिलीज किया जाएगा। अब आपको बता दूं कि केन जो कि शहनाज गिल के काफी ज्यादा करीबी हैं, उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अधूरा नहीं था, ये आदत है, आदत थी और आदत ही रहेगी। सभी इस गाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हर कोई जल्द ही इस अधूरे गाने को, जिसका शूट अधूरा है लेकिन एक पूरी प्रेम कहानी से रिलेटेड है, ये वाकई में काफी ज्यादा फैंस के लिए किसी ट्वीट से कम नहीं होने वाला है और हर कोई इस गाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि ऐसे हर एक अपडेट हम आप तक रेगुलरली पहुंचाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।